फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 190 किलोमीटर दूर है। फर्रुखाबाद जिले की स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी, जिसने 1714 में सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर इसका नाम रखा था। फर्रुखाबाद जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल टूर विद अंशमा को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। 2011 के हिसाब से यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 18,85,000 है। वहीं यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,181 स्क्वायर किलोमीटर है। डियर व्यूअर्स, जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिरों के बारे। नंबर वन, श्री पांडेश्वर नाथ मंदिर फर्रुखाबाद। श्री पांडेश्वर नाथ मंदिर फर्रुखाबाद का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। श्री पांडेश्वर नाथ मंदिर फर्रुखाबाद का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा कराई गई थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, जब पांडव अज्ञातवास के दौरान इधर उधर भटक रहे थे, तब पांडवों ने यहाँ भी शरण ली थी और यहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किया था और शिव भगवान की स्थापना की थी। इस मंदिर में पांडव लोग पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर पांडवों के समय बनाई गई प्राचीन सुरंग भी है। लोगों का मानना है कि ये सुरंग इस मंदिर से कांपिल्य तक जाती है। अगला जो स्थान है, श्री शक्तिपीठ माता गुड़गांव देवी फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है, एक धार्मिक स्थल है। यहाँ प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर मंगला गौरी को समर्पित है। मंदिर में मंगला गौरी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में विराजमान देवी की प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से बनाई थी और उन्होंने देवी की पूजा भी करी थी, जिससे मंगला गौरी देवी जी प्रसन्न हुई थी। यहाँ पर आप आकर जो मनोकामना मानते हैं वो जरूर पूरी होगी। मंगला गौरी जी भगवान शिव की पत्नी है। अगला जो स्थान है, इसे नवाब बंगस का मकबरा फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। नवाब बंगस का मकबरा फर्रुखाबाद का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आपको एक मकबरा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर नवाब बंगस की कब्र भी बनी हुई है। ये मकबरा फर्रुखाबाद शहर के बाहर क्षेत्र में बना है। ये मकबरा गुड़गांव देवी मंदिर के पास ही स्थित है। मकबरे में चारों तरफ से गांव का इलाका और खेत है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। मकबरे का कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी हो गया है। मकबरे में आपको गलियारा पर एक बड़ा सा गुंबद देखने को मिलता है। गुंबद के नीचे ही कब्र बनी हुई है। नवाब बंगस फर्रुखाबाद के नवाब थे। सरकार की तरफ से इस मकबरे की देखरेख नहीं की जा रही है। आप यहां घूमने के लिए आ सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने फर्रुखाबाद जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। साथ ही ये भी बताएं कि आप वीडियो को किस शहर या किस जिले से देख रहे हैं। अगर आपको भी आपके शहर या जिले का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।